किसी डिपार्टमेंट में रहते थे, हमारे पास कोई टेबल नहीं होता था, हम लोहे की ट्रंक जो घर से लेके आते थे जिसमें हर चीज़ होती है, उसमें हमारे खाने का सामान भी होता है, किताबें भी होती हैं, उसे ऊपर बैठते कुर्सी के तौर पर उन्हें इस्तेमाल करते। तो मुझे वो दिन भी नहीं भूलता कि हमारी बस बाई तैयार खड़ी थी कायदे मेडिकल कॉलेज की, मेरे साथ राशिद होता था, अल्लाह से जन्नत नसीब करे, तो वो सब लोग के पंजन जाना है और मैं भी अपना नीचे आया, इतना जाने क्या हुआ, तो राशिद कहता बस अब जगह नहीं है, आप वापस आए, और मैं वापस ऊपर चला गया। और इसी तरीके से वो दिन भी नहीं भूलता कि फार्माकोलॉजी में प्रोफेसर हमें प्रोफेसर फार्माकोलॉजी नहीं दूसरे दूसरे अब उन्हें ना मालूम क्या था कि हम वहाँ बैठते एक स्टूडेंट को पकड़ लेते और उसकी वो बिला वजह बेशुमार उसकी इंसल्ट करते और उसके बाद उसको कहने का मतलब ये था कि ये बातें जो हमें हमारे साथ वहाँ हुई वो भूलती नहीं, बाकी एज ए होल भागलपुर में वहाँ के लोग, वहाँ के जो डॉक्टर, वहाँ का मौसम, वो हमेशा याद रहता है। जब भी हम वहाँ से गुजरते हैं, कभी कराची जाना हो या कभी इम्तहान लेने जाना हो, तो वो यादें फिर दोबारा से उसी तरीके से आ जाते हैं। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, आप जब कभी लाहौर आए तो अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में जरूर तशरीफ लाएँ, मैं आपकी डिस्क्रिप्शन में हमेशा रहूँगा।